नेक्स्ट देखिए इसी डेरिवेशन में मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एक्सटर्नल फोर्स ऑन रीजन आर ये फाइंड आउट करोगे मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं अब यहां जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं एफ आई ये बॉडी फोर्स और सिकमाई स्ट्रेस वेक्टर सरफेस फोर्स ठीक है एक है एम आई ये बॉडी मूवमेंट है बॉडी मूवमेंट ऑफ द बॉडी टेकिंग पर यूनिट मास ये तो मूवमेंट है ही ठीक है तो इसको तो एज इट इज रखो एफ आई बॉडी फोर्स है फोर्स और ये सरफेस फोर्स स्ट्रेस वेक्टर अब ये बॉडी फोर्स है तो इसके अकॉर्डिंग बॉडी फोर्स मूवमेंट या मूवमेंट और बॉडी फोर्स बॉडी फोर्स मूवमेंट और सरफेस फोर्स मूवमेंट ये फाइंड आउट करना है सरफेस फोर्स मूमेंट ये दोनों फाइंड आउट करोगे मूमेंट को डिफाइन करने के लिए जैसे ये फोर्स था एफ था ठीक है इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग तो इस ये फोर्स एफ है तो इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आर क्रॉस एफ था मींस जहां भी फोर्स लग रहा है वहां पर पोजीशन वेक्टर होना चाहिए अपने पास ठीक है तो यहाँ पर क्या कंसिडर करोगे जो भी रेक्टेंगुलर कार्टिशियन एक्सीज y1, y2, y3 टू थी उसी के अकॉर्डिंग था अपना डायग्राम इस तरह से तो y1, y2, y3 इसके अकॉर्डिंग लेट y बी द पॉजिशन वैक्टर ठीक है पॉजिशन वैक्टर होगा जैसे ये पॉजिशन वैक्टर है तभी इसके मूवमेंट को डिफाइन किया है तो y बी द पोजिशन वैक्टर अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर कार्टिशियन एक्सीज वाई वन वाई टू वाई थ्री अबाउट द ओरिजन ओ अब ये पोजिशन वेक्टर हो गया तो इन फोर्सेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट को इजीली डिफाइन कर सकते हो क्यों ये बॉडी फोर्स है तो बॉडी फोर्स मूवमेंट क्या हो जाएगा वाई क्रॉस एफ जैसे ये आर क्रॉस एफ है सरफेस फोर्स मूवमेंट क्या हो जाएगा ये तो सरफेस फोर्स स्ट्रेस फैक्टर है और इसको इसके पोजिशन वेक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा सरफेस फोर्स मूवमेंट ठीक है क्लियर है सभी को तो ये तो बॉडी फोर्स मूवमेंट हो गया ये सरफेस फोर्स मूवमेंट हो गया ठीक है ये तो जैसे वैक्टर की फॉर्म में है अब जैसे ये इनको वेक्टर नोटेशन में लो तो वाई आई एफ आई इस तरह से ले सकते हैं तो मेनली एफ और सिकमा के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक तो ये बॉडी फोर्स मूवमेंट हो गया ये सरफेस फोर्स मूवमेंट हो गया और ये एम आई बॉडी मूवमेंट सपोज किया था लेट एम आई एम आई बी द बॉडी मूवमेंट पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन रीजन आर सॉरी ठीक है एक्टिंग ऑन रीजन आर ऑन वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट डी वी ठीक है अब इक्वेशन लिख सकते हो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी इन सभी एक्सटर्नल फोर्सेज के अकॉर्डिंग सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेज सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज के अकॉर्डिंग मूवमेंट जो है उनका सम ये इक्वेशन देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ एम आई बॉडी मूवमेंट है बॉडी मूवमेंट पर यूनिट मास लेते हो मास रो इनटू डी वी ठीक है वॉल्यूमेट्री एम आई जो है वो इस पर वर्क कर रहे हैं तो मास रो इनटू डी वी हो जाएगा तो एम आई बॉडी मूवमेंट हो गया और ये इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया रीजन आर के अकॉर्डिंग प्लस यहां पर बॉडी फोर्स मूवमेंट क्या है वाई क्रॉस एफ तो वाई क्रॉस एफ बॉडी फोर्स मूवमेंट है ये तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास लेते हो तो मास रो डीवी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस ये सरफेस फोर्स मूवमेंट है तो so, पूरा पूरे एरिया के अकॉर्डिंग लेना उतन, पूरे एरिया का लेना है अपने को इसलिए एंट्री का ले लेते हैं उसमें पूरा आ जा पूरे कंप्लीट का आ जाता है तो वाई क्रॉस सिकमा ये पर यूनिट एरिया लेते हो तो ये डी एस पर यूनिट एरिया एरिया एस के अकॉर्डिंग इक्वल टू जीरो इक्वेशन क्या है अपने सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज आर इक्वल टू जीरो तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मोमेंट्स के अकॉर्डिंग एल्जेप्रिक सम जो है फोर्सेज का वो जीरो होगा उसमें क्या बताया था फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कि जो जो फोर्सेज फोर्स हैं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इन रीजन आर इक्वल टू जीरो तो एफ आई बॉडी फोर्स था और ये सरफेस फोर्स था तो ये पर यूनिट मास लेते हैं तो रो इन टू टीवी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये पर यूनिट एरिया तो ये डी एस एस उसमें अकॉर्डिंग में इक्वेशन जो है वो लेंगे इसको तो इट इज रहने दो तो, और ये जो है एप्सलोन आई जे के वाई जे एफ के रो डी वी प्लस एस एप्सलोन आई जे के वाई जे सिकमा के डी एस इक्वल टू जीरो इसको एजटेज इस रहने दो अब इसको चेंज कर सकते हो सरफेस इंट्रीगल को वॉल्यूम इंट्रीगल में चेंज करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हो गोस डाइवर्जेंस थ्योरम for using gauss divergence theorem we convert the surface integral into volume integral isme bhi yahi kiya tha sir isme bhi change kiya tha force equilibrium equation mein bhi ye dekho ye surface integral था इसको volume integral में Gauss divergence theorem को use करके change किया था तो वहाँ भी इसको चेंज कर लो तो ये सभी टी वी डी वी टी वी में चेंज हो जाएंगे तो इसको चेंज करो इसमें पहले तो यहाँ पर सिग्मा के की वैल्यू पुट करो और सिग्मा के की वैल्यू पुट करोगे तभी यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर आएगा तभी गोस्थोरम थ्योरम को यूज करोगे सिकमा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे ठीक है रिलेशन सबको पता है सिकमा के है अपने पास तो सिकमा आई को के से चेंज करोगे तो ये के हो गया ये के हो गया ठीक है जे को चेंज ले लो क्योंकि जे इंडिसेज अपने पास ऑलरेडी उसमें यूज आ रहा है वाई जे ठीक है फर्स्ट और सेकेंड टर्म इज रखी है और यहाँ सिकमा के की वैल्यू यहाँ से सिकमा आर के एन आर पुट कर दिया फर्स्ट और सेकेंड एच इज रखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना ओनली लास्ट वाली जो टर्म है इसमें अब यहाँ ड्राइवर थ्योरम को यूज करोगे तो कैसे ये एन आर है यूनिट वेक्टर इंक्लूड हो गए इसमें तो क्या कैसे यूज करोगे एप्सलॉन आई जे के एफ आई कोमा आई होता है, आर. आर है तो ये इसका डिफ्रेंसीशन जो है वो आर के रिस्पेक्ट में हो गया और ये सरफेस एलिमेंट किस में चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंट्रीगल में इक्वल टू जीरो रीजन दो यहाँ पे ये होती है कोस्टाइवरजेंसी थ्योरम एफ आई एन आई डी एस तो ये, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो ये एफ आई कॉमा आई हो जाता है तो ये एन आर है तो इस पूरे टर्म का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो गया ठीक है डी एस टी वी में चेंज हो गया अब यहाँ पर ये है ये तो परमोटेशन सिंबल कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसको तो एज कांस्टेंट कॉन्स्टेंट बाहर ले लो और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन करोगे इसके रिस्पेक्ट में और इन तीनों टर्म्स को आप एक साथ ले सकते हो तीनों रीजन आर के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहे हैं तो इन तीनों टर्म्स को आप एक साथ ले सकते हो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आर रो एम आई प्लस रो एप्सलोन आई जे के वाई जे एफ के डी वी कोमा ले लेंगे बाहर प्लस एप्सलोन आई जे के इसका करोगे तो वाई जे कोमा आर सिकमा आर के एजेटिज प्लस एप्सलोन आई जे के वाई जे एजेटिज सिकमा आर के कोमा आर डी वी इक्वल टू जीरो वाई जे कोमा आर को किससे रिप्रेजेंट करोगे डेल जे आर से ठीक है और इनमें से कॉमन ले लो इसमें से और इस टर्म में से कॉमन ले लो एप्सलोन आई जे के वाई जे तो इन दोनों टर्म्स में से एप्सलोन आई जे के वाई जे कॉमन लोगे तो ये रो एफ के प्लस सिकमा आर के कॉमा आर ये टर्म वाई जे कुमार को, को जे आर से रिप्रेजेंट करो r के एच टिच ये टर्म आ गई अपनी